दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में जूम क्लाउड पर उपस्थित समस्त उद्यमी यूट्यूब और फेसबुक पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उद्यमी आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा विदित है कि अपने साथ कॉपी कलम साथ में रखना है, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखना है। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, अतः अपने घर के महिलाओं को इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में शामिल करें। जब से यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो डालनी शुरू हुई है एसोसिएशन के द्वारा, जूम क्लाउड पर लगातार जो है उसकी संख्या घटती जा रही है। एनीवे, यूट्यूब और फेसबुक पर आप लोग जो है सुनते समझते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, अभी पिछले सप्ताह जो है अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो है दिया है। वह जजमेंट जो है यह है कि अनुसूचित जातियों के लोगों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में आरक्षण देने के लिए जो है उसकी क्या करना है कि जो है उप सूचियाँ बनाई जाएगी या फिर जो है सब डिवाइडेड होगा, यानी रिजर्वेशन के अंदर जो है रिजर्वेशन। कई जगहों से जो है और मीडिया कर्मी जो है बंधु है उन लोगों ने दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से अपनी राय मांगी। देश के विभिन्न जगहों से जहां दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मौजूद है, वहां के हमारे एनिमेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी चेयरमैन, उन सभी लोगों ने जो है आग्रह किया, यानी कि मेल की जो है लंबी लिस्ट है हमारे पास, उन्होंने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर जो है आपकी क्या राय है और एसोसिएशन का क्या स्टैंड है, उसको थोड़ा सा जो है आने वाले ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में जो है विषय को रखेंगे। तो आज इसी विषयों को लेकर करके हम उपस्थित हैं, क्योंकि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भारत में जो है एक गार्जियन संगठन के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाने में जो है हेल्प लेती रही है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। तो इस अवस्था में अगर बामसेफ को छोड़ दिया जाए तो बामसेफ के बाद दूसरे नंबर पर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ही एक ऐसा संगठन आता है हाँ, जो कि प्लान और पॉलिसी में डायरेक्ट हिस्सा लेती है। तो अब हमारा उत्तरदायित्व तो और जिम्मेदारी बनता है कि अपने समुदाय के लिए जो है कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और संघ पिता मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान इस जजमेंट पर जो है क्या स्टैंड है और हम जो है इस पर क्या करते हैं। तो यह चीज़ें जो है हालांकि जो भी समाज के हितार्थ कार्य होंगे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, आंदोलन होगी, तो उसमें फाइनेंशियली और व्यक्तिगत सपोर्ट जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करेगा, क्योंकि हमारे समुदाय से जुड़े हुए मामला है, तो इसमें जो है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पीछे नहीं रहेगा। लेकिन कई जो है बुद्धिजीवी वर्गों ने और मीडिया कर्मी ने बोला है कि इस जजमेंट पर जो है कोई व्याख्यात्मक जो भी बुद्धिजीवी है भारत के वह व्याख्या नहीं कर रहा है इस जजमेंट का। तो हमसे आग्रह किया गया है कि आप जो है ऑनलाइन उद्यमी, हमने कहा भाई कि मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हम यह चीज़ें जो है मेरे बोलने की मनाही है, मजबूरी है, तो फिर भी उसकी व्याख्या जो है करना हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उस जजमेंट को व्याख्या करें, अपने समुदाय को समझाएं कि वास्तव में हुआ क्या है। एक बार जो है बिहार से एक ट्रेन गुजर रही थी, बंगाल जा रहा था, उसमें कुछ बंगाली परिवार बैठे हुए थे। तो बिहारी जो होते हैं वह हूठ स्वभाव के होते हैं, मतलब झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, अननेसेसरी जो है झगड़ा करता है। तो बंगाली परिवार का जो है रिजर्वेशन था भाई ट्रेन में, वो बैठे हुए थे। तो जैसा ही जो है पटना क्रॉस किया, एक बिहारी आकर के बोले, हे दादा
थोड़ा सा हटो, हमको बैठना है। करे दादा, ये हमारा रिजर्व सीट है, इस पे आप कैसे बैठेंगे? बोला हटता है कि नहीं हटता है? बोला मेरा रिजर्व सीट है, मैं क्यों हटूं? बस उसको एक झापड़ कस के बिहारी ने दे दिया बंगाली को। बंगाली जो है बुद्धिजीवी होता है, सोबर होता है, झगड़ा करना नहीं चाहता है। तो बंगाली ने कहा कि देखो कमल, हमको मारा सो मारा, यदि तुम हमारे पत्नी को मार के दिखाओ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिहारिया ने जो है उसके वाइफों को दूजा पड़ दे दिया। फिर बंगलिया बोला, देखो कमल, तुमने हमको मारा हम कुछ नहीं बोले, तुमने हमारे पत्नी को मारा हमने कुछ नहीं बोला, तुम हमारे बेटा को मार के दिखाओ, देखो मैं तुमको क्या कर देता हूं। बिहारिया ने होकर बेटबो को दूझा पड़। ठीक है, फिर बंगलिया बोला, देखो कमल, तुमने हमको मारा हम कुछ बोला नहीं बोला, तुमने हमारे पत्नी को मारा हम कुछ बोला नहीं बोला, तुमने हमारे बेटा को मारा हमने कुछ बोला नहीं बोला, तुम हमारे बेटी को मार के दिखाओ, अभी यदि तुमने हमारे बेटी को मारा तो हम तुमको बहुत मारेंगे। बिहारिया ने कहा कि अरे बंगलिया, लो हे मार दिए, एक झापड़ बेटियों को मार दिया। तो इस प्रकार से बंगाली ने क्या किया, खुद भी मारपीट आया, वाइफ को मार पिटवा दिया, बेटा को मार पिटवा दिया और बेटी को भी मार पिटवा दिया और थेथरई नहीं छोड़ा। वो क्या है, थेथरई है, जैसे एक शायर ने कहा कि तेरी मोहब्बत में अपनी जिंदगानी के समा को जलाकर देखा है, एक बार फिर से मोहब्बत करके देखेंगे। मतलब उसके प्यार में जो है उसने सारा चीज जो है कुर्बान कर दिया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर बोला कि अगर मौका मिलेगा तो एक बार फिर उसे प्यार करेंगे। थेथरई है। तो इसका कहने का मतलब है कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इस कहानी का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि तुमको बार 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 यह कहा जा रहा है कि तुम रिजर्वेशन के ऊपर भी सोचो, रिजर्वेशन के अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, अपने थेथरई से वाज नहीं आ रहे हो। सारे सार्वजनिक क्षेत्र जितना पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू, सरकारी एजेंसियां सारे प्राइवेट कर दिए गए, तुम्हारा आरक्षण तो स्वतः समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद भी तुम उसकी आस में बैठे हुए हो, तुम जो है उस चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हो, यह थेथरई का प्रकाष्ठा है। एक चीज, सहारा रेगिस्तान में कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल में थोड़ा थोड़ा वर्षा होता है, हल्का हल्का 2-4 बूंद 10 बूंद पड़ा तो वहां क्या कहता है वैसे क्षेत्रों को कि वहां बहुत हरियाली है, 2-4 बूंद को। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आपको यह समझना है कि सहारा रेगिस्तान में 2 बूंद पानी चाहिए या मेडागास्कर का जो है पूरा जो है जंगल चाहिए, यह आपको निर्णय लेना है। बार बार थेथरई करने से कोई चीज होने वाला नहीं है। रिजर्वेशन 10 साल के लिए दी गई थी, ठीक है, और 10 सालों में आने वाले भविष्य के लिए प्लान पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी। तुम्हारे लोगों ने कोई प्लान पॉलिसी बनाया नहीं, ठीक है, कहा कि उसमें जो है रिजर्वेशन का विकल्प भी तैयार करना है, वह जिम्मेदारी हम ही लोग का था, तुम्हारे पूर्वजों ने विकल्प भी तैयार नहीं किया।
हुआ क्या, एक और कहानी के माध्यम से बताते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा वह समझ लेगा, जो मूर्ख होगा वह हमको कह देगा कि ये तो दलाले है, या जो है एंटी रिजर्वेशन है या एंटी कंस्टिट्यूशनल है। कोई बात नहीं, बोलो, यूट्यूब पर फेसबुक पर मेरा वीडियो जो है मौजूद रहेगा, जब तक यूट्यूब और फेसबुक रहेगा यह वीडियो मेरा मौजूद रहेगा। और आने वाले शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के भविष्य के बच्चे जो होंगे वह उस समय सुनेंगे और समझेंगे कि संघ पिता दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने क्या कहा था, और वास्तव में वही सत्य है। आप अगर हमारे पुराने वीडियो को देखोगे तो जब हम जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि इंतजार करो 2025 तक, वहाँ तुमको तीन ही लोग मिलेंगे, एक गवर्नमेंट, एक दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, और वैसे व्यक्ति जो उद्योग वाणिज्य व्यापार करेगा, चौथा कोई नहीं मिलेगा। देख लो, यह बातें मैंने 2020 में कही थी, क्योंकि जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी का रचनाकार हम ही हैं। अर्थशास्त्र के एक गंभीर विषय जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी, उसको मैंने ही लिखा है, और जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी के रिसर्च के आधार पर हमने कहा था कि 2025 तक जो है इंतजार कर लो तुम लोग, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब इंतजार करो 2025 तक। अभी 24 से है, अभी 24 ही है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें हमने यह बातें कही थी कि आने वाले भविष्य में ऐसे ऐसे चीज होगा कि वहां जो है जो उद्योग वाणिज्य व्यापार करेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वह व्यक्ति सर्वाइव करेगा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उस वक्त में भी रहेगा और गवर्नमेंट रहेगा, बाकी जो व्यक्ति होगा वह सहारा रेगिस्तान में जिस प्रकार दो बूंद पानी गिरता है और उसको हरियाली समझ लेता है, उसी अवस्था में होगा, उसी अवस्था में होगा। हमने तुमको सदैव कहा है कि तुमको मेडागास्कर का जंगल चाहिए, ठीक है, तुमको जो है सदाबहार वन चाहिए। तुम कहाँ कहाँ झूठों का जो है सहारा रेगिस्तान में दो बूंद जो है पानी के लिए बेचैन रहते हो। ये चीजें अब जब देखो, इसी चीजों को बार बार थेथराई पर जो उतरते हो, इस थेथराई से निकलने का क्या है। एक बार क्या हुआ कि गंगा नदी में एक जो है भैंस का मरा हुआ लाश जा रहा था। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझो, डिस्कशन का विषय है, चर्चा का विषय है, जो पूरे भारत देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विरोध में जजमेंट आया है, उसमें अपने लोगों को सतर्क करना दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो गंगा नदी में एक जो है भैंस का या गाय का मरा हुआ लाश तैरता हुआ जा रहा था, तैरता हुआ जा रहा था, एक कौवा जो है, अरे ए छोड़ा कमलेशवा क्या कर रहा है रे, एक जो है तैरता हुआ लाश जा रहा था भैंस का, और उस पर एक कौवा जो है उड़ते उड़ते आकर के बैठ गया। अब कौवा का तो चांदी चांदी हो गया, कौवा का क्या हो गया, चांदी चांदी। कौवा को जब भूख लगे, उल्लास का मीट नोच करके खा लेवे, प्यास लगे गंगा का पानी पी लेवे, और रात को सूतने का तो भैंस तो बहुत बड़ा है, कौवा को कितना एक बित्ता इतनी सु जगह चाहिए, उसी पर सो जाता। हरिद्वार से लेकर करके फरक्का बांध तक
कौवा यही दिनचर्या उसका रहा। भूख लगा लाश का मीट खा लिया, प्यास लगा गंगा का पानी पी लिया, रात हुआ लाश पर सो गया। वह जो है सारी चीजों को भूल गया, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भूल गया, दोस्त यार को भूल गया, नरेश हेमराम को भूल गया, विनोद राम को भूल गया, हाँ मुकेश पासवान को भूल गया, हमको भूल गया। बस उसका दिनचर्या बन गया। क्या दिनचर्या बन गया? भूख लगे लाश का मीट खाना है, गंगा का पानी पीना है, उस पर सो जाना है। धीरे 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 चलते 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 लाश बंगाल की खाड़ी में जाकर के गया। तब तक भी उस कौवे को आभास नहीं हुआ। धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से चलते 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 हिंद महासागर जब गया तो काफी समय गुजर चुका था और लाश जो है धीरे धीरे सड़ भी रहा था और मीट जो है कम भी हो रहा था। यहां हरिद्वार से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक कौवा कुछ सोचा ही नहीं, उस पर बैठा रहा, मीट खाता रहा, पानी पीता रहा, सोता रहा। जब वह पूरी तरह से हिंद महासागर के काफी अंदर चल गया तब एक दिन उसको आभास हुआ, करे यार मीट तो खत्म हो रहा है, अब क्या करें। तब वो धीरे धीरे चिंतित होने लगा। तब तक सड़ गल गया था लाश, मीट एक दो पीस चार पीस बचा था। कौवे ने उड़ना चाहा, तो अब बताओ हिंद महासागर में वो उड़ेगा तो कहीं जमीन जगह है कि वहां जाके बैठेगा? नहीं बैठेगा। अब कौवा काफी दौड़ने लगा इधर उधर इधर उधर, लेकिन कहीं उसको बैठने का जगह नहीं मिला। और जो छोटा सा लाश का मीट बचा हुआ था मगरमच्छ ने जो है उसको खा गया। कौवा थक हार कर करके समुद्र में गिर गया और किसी बड़ी मछली ने कौवा को खा गया। मेरे प्यारे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब लोगों, तुम्हारे साथ यही हुआ और यही अगर नहीं हुआ है तो यही होगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो यही होगा। बाबा साहब ने तुमको मालिक बनने की प्रेरणा दी थी, बाबा साहब ने तुमको संघर्ष करने की प्रेरणा दिया था। संविधान लागू होने के बाद तुमने क्या किया? क्या किया? संविधान लागू हुआ और तुमको आरक्षण मिल गया, अब तुम बैठ करके क्या करने लगा? क्या करने लगा? पढ़ने के लिए वेलफेयर हॉस्टल, पढ़ने के लिए स्टाइपेंड, नौकरी के लिए रिजर्वेशन, प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन, एडमिशन के लिए रिजर्वेशन, और जब नौकरी उकरी करके तनी मनी पैसा कमा लिया तो फिर आरक्षित सीट से इलेक्शन, यही किए ना? इसके अलावा कुछ किए हैं तो बताइए, इसके अलावा कुछ किए तो बता दीजिए। आप क्या किए? सीधा कौवा की तरह उस मरे हुए भैंस पे जाके बैठ गए। एडमिशन आरक्षण के वजह से, हॉस्टल आरक्षण के वजह से, स्टाइपेंड आरक्षण के वजह से, नौकरी आरक्षण के वजह से, प्रमोशन आरक्षण के वजह से, और जब कुछ पैसा उसा कमा लिए तो इसके बाद इलेक्शन लड़ गए। कहां से? आरक्षित सीटों से। और तुम्हारी क्या रही? तो अब तो तुम चले गए कहां?
हिंद महासागर के काफी अंदर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करोगे? तो बाबा साहब ने जो तुमको कहा था, संघर्ष करो, क्या चीज के लिए? अरे वो तो रिजर्वेशन का प्रोविजन करके चलिए गए थे, तो उस संघर्ष बियॉन्ड रिजर्वेशन बोले थे ना, कि जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां करो, जो आसानी से मिल सकता था। कौवा क्या कर सकता था? ठीक है, यहां से हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक भैंस का मीट भी खाता, इधर भी अपना विकल्प बनाता, भैंस का मीट खाता इधर भी विकल्प बनाता, तो बताओ मरता? वो एकदम मैं भुला गया कि अगल बगल में भी कोई चीज है। चलते रहा चलते रहा चलते रहा, कहां पता चला उसको, जब वो हिंद महासागर में पूरा घुस गया, जब हिंद महासागर। अब क्या कह रहा है कि बताओ जो मरल का भैंस था उसको तो हरिद्वार से लेके हिंद महासागर तक हम लाए थे, अब बताओ मछली खा गया? उल्टे दोष दे रहा है कौवा कि मेरा मछ का है भैंस खा गया, उसके साथे साथे तो हम आए थे। पूना पैक्ट में जब हुआ था, जहां से रिजर्वेशन की जन्म हुई है, क्या तुम्हारे बाबा साहेब ने रिजर्वेशन मांगा था? अपने आप से प्रश्न करो, तुम्हारे बाबा साहेब ने रिजर्वेशन मांगा था कि रिजर्वेशन दिया गया था? ऑब्वियसली दिया गया था, आप तो डबल इलेक्टोरल का जो है मांग किए थे, या फिर जो है मना सेपरेट जो है कंस्टिट्यूएंसी का मांग किए थे, आपने रिजर्वेशन का तो मांग किया नहीं था, तो रिजर्वेशन आपको दिया गया था। आप उसको क्या कर लिए कि पूरी की पूरी जो है रिजर्वेशन पर डिपेंड हो गए। 1950 से लेकर के टिल टुडे आप पूरा समुदाय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द घूमता रहा, सारे एक्टिविटी रिजर्वेशन के इर्द गिर्द होता रहा। अब तुम हिंद महासागर में हो, अब तो तुम्हारा पास कोई विकल्प ही नहीं है। अभी जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उसने एक एग्जाम्पल दिया। अब सारे जो है अंबेडकर वादियों को वो अखड़ गया, पूरी तरह से अखड़ गया कि बताओ कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश इतना हल्का बात को कैसे बोल दिया। अब उस पर जो है कोई गहराई से मंथन भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं उसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं मंथन कर रहा है और ना ही व्याख्या कर रहा है, लेकिन जरूरत है उसका मंथन करने का भी और व्याख्या करने का भी। उसने जो है 5 पन्ने 7 पन्ने में जजमेंट दिया है, तुमको कम से कम 5 लाख 50 लाख वीडियो में उसकी व्याख्या करना पड़ेगा, 50-50 हजार आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, तब ना तुम्हारा आदमी उस बातों को समझ पाएगा। सारे लोग जो है, और यह जो तुम सोचोगे कि व्हाट्सएप फेसबुक हैं ये सब पर डाल डाल देंगे ना तो बड़ा ये हम कर रहे हैं मना SC ST के हितैषी, ऐसा नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। उसने क्या कहा CJI ने, उसने कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है
वह जो है ट्रेन के जनरल बोगी जैसा है, जनरल डिब्बा जैसा है, जिसमें क्या करता है कि आदमी जो है उसमें घुसने का जद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है। कोई भी व्यक्ति जो है अननेसेसरी कमेंट मत करो, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। अगर तुमको किसी भी प्रकार उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित शिकायत सुझाव या सूचना, वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473462273, वंस अगेन 9473462273, उस पर आप करिए, आपको जवाब मिलेगा। यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है, और ऐसे भी अगर जो है ज़्यादा काबिल बनिएगा तो हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। गाली भी देना है तो हमारा उसी व्हाट्सएप पर गाली दीजिएगा, हम सुन लेंगे। यहाँ थोड़ा हमको पढ़ाने दीजिए, पूरा देश में आग लगा है, तुम्हारा हक और हकूक मारी जा रही है, और यहाँ बकलोली करोगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? आखिर उस चीजों की व्याख्या करने वाला व्याख्याता तो चाहिए ना भाई। तुमको सुनने का मन है सुनो, नहीं सुनने का मन है जाओ, लेकिन हमको व्याख्या करने से डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश ने जो है कहा कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो है वह क्या है, ट्रेन के जनरल डिब्बा की तरह है, जिसमें प्रवेश करने के लिए काफी जद्दोजहद करता है लोग, और जब वह प्रवेश कर जाता है तो बाकी लोगों को उसमें आने से रोकता है। अब जितने अंबेडकरवादी हैं जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से इत्तेफाक रखता है, वह सभी लोगों ने कहा कि गलत बात बोला। क्या बोला? कि गलत बात है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, यह सही बात है, हम भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं। हम कह रहे हैं कि वह सही उदाहरण दिए। अब यह बताओ कि तुम जिस विधानसभा में पढ़ते हो या जिस लोकसभा में तुम हो, अगर वह आरक्षित सीट है तो तुम उसका इतिहास उठा करके देख लो कि उस पर जो है 3-4 दशक से एक ही परिवार, एक ही खानदान के लोग इलेक्शन लड़ रहा है और वही जीत रहा है, वही जीत रहा है। तो क्या बाबा साहब ने वैसे लोगों के लिए ही रिजर्व सीट का जो है एलोकेट किया था कि फलना आदमी जो है खुद इलेक्शन पर खड़ा होगा, उसमें वह जीतेगा, फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा जीतेगा, अगर बेटा योग्य नहीं है तो भाई खड़ा होगा, भाई योग्य नहीं है तो उसकी बहन खड़ी होगी, बहन नहीं योग्य है तो उसका भतीजा, मतलब वही खानदान के लिए वो रिजर्व किया गया था, है? या तो हुआ रिजर्व सीट का। अब NIT, IIT, जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है, अब उसमें किसका बच्चा पढ़ने जा रहा है? तो उसमें उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है जिसके बाप ने आरक्षण लिया, जिसके दादा ने आरक्षण लिया था, उसी का बचवा उसमें पढ़ने जा रहा है। भंगी मुसहर डॉम लालबेगी हलाल खोर, उसका बच्चा तो उसका नामो नहीं जानता है। तो क्या रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वैसे लोगों के लिए किया गया था? क्या इस विषय पर जो है अंबेडकर वादियों का क्या सोच है? वह अपना स्टैंड क्लियर करे कि भाई अगर रिजर्व सीट है तो उस पर एक ही खानदान के लोग क्यों? यदि तुम्हारी एक पीढ़ी जीत गया उस पे तो तुम जाओ ना भाई जनरल सीट से लड़ो, तुमको कोई मना किया है? वो क्या कहता है? कहता
अरे भाई तुम भी एस सी एस टी है, तुम भी लड़ो, तुमको कौन मना किया है? हम एस सी एस टी है, हम लड़ेंगे। अरे भाई आजकल का जो इलेक्शन हो गया है वह आर्थिक सामाजिक है, और एक आम लोग जो है एक खास एस सी एस टी से वह नहीं ना टकरा पाएगा, वह आम शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया था। और आप अब आम तो रहे नहीं, अब तो आप अंगूर हो चुके हैं, तो जब अंगूर हो चुके हैं तो आप खाली कीजिए ना। तो वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल जो है कि काफी भीड़ रहेगा जनरल बोगी में, आ एकदम जद्दोजहद करेगा घुसने के लिए, आ जैसा ही वो घुसेगा वो आउट करने के फेरा में रहेगा कि दूसरा आदमी नहीं चढ़े। तो गलती इसमें क्या बोला गया है? यदि तुम ईमानदार नहीं हो, ठीक है, तो हम थे कि सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा, उसने कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जो है वह ट्रेन के जनरल डिब्बों की तरह है, ठीक है, जहां लोग घुसने के लिए संघर्ष करते हैं, घुस जाने के बाद सीट पर बैठ जाने के बाद बाहर से आने वाले लोगों को रोकने का हर संभव प्रयास करता है। अंबेडकरवादी को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सामाजिक संगठनों को बड़ा दुख पहुंचा, बहुत तीखा लगा। ये क्या बोल दिया, इतना सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके ये क्या बात बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया? लेकिन जरा सा अपनी गिरेबान में झांक करके देखो कि बाबा साहब अंबेडकर, काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू और जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष थे, उसने संघर्ष किसके लिए किया, किसके लिए संघर्ष किया, और तुम उसके संघर्षों को कितना याद किया? पहले अपना गिरेबान झांको, दूसरा पर जो दोष लगा रहे हो, तुम आया रिजर्व सीट से, इलेक्शन लड़ा, जीता, चलो एक बार चलो मान लिए, दो बार मान लिए, और बार बार तुम वहीं से खड़ा हो रहे हो, जीत रहे हो। अब तुम मर गया तो तोर बच्चा वहीं से खड़ा होगा, वहीं से मना तोरे खानदान, तोरे बपौती के लिए वो दे दिया था, तो तुम अपने गिरिबान में झांका, उस पर तो कोई ब्राह्मण नहीं है, उस पर तो कोई ठाकुर नहीं है, उस पर तो कोई लाला नहीं है, तो तुम जो उसको आने से रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम दो बार जीत गया ना, अब दूसरे को मौका दो, तुम स्वतः करो। तो तुमने ईमानदारी दिखाई नहीं, वाह, तुम तो जो है वहां से शुरू हो गया। तुमने नहीं दिखाया, अब चलो एक बार रिजर्वेशन लेकर के तुम आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीए कॉलेज, तुमने एडमिशन ले लिया, पढ़ लिया, तुमने रिजर्वेशन लेके नौकरी ले लिया, तुमने रिजर्वेशन लेके प्रोन्नति ले लिया, तुमने जो है सारा चीज कर लिया। अब क्या है, तोरे बचवा वहां से हो रहा है, तो आम शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को मौका कब दोगे? क्या यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस विषय पर तुम क्या सोच रखते हो? हैं? तुम्हारा बच्चा दिल्ली में कोचिंग करने के लिए जाता है और तुम क्या करते हो, उसका खर्च उठाते हो, क्यों? क्योंकि तुम रिजर्वेशन से नौकरी पाया, तुम सरकारी नौकरवा बना, और फिर क्या कर रहे हो कि उस चीजों को, अब फिर क्या हुआ कि तुम्हारा बच्चा भी अब जो है वहां जा रहा है, तुमने यह कभी कहा कि
कि देखो हम रिजर्वेशन ले लिए, मेरा बाप रिक्शा जोतता था, मेरा माई जो है वह जो है दाईगिरी करती थी, तो हमको रिजर्वेशन का ज़रूरत है। हमने रिजर्वेशन लेकर के सरकारी नौकरबा बन गया, अब हम संपन्न हो गए। अब तुम जो है क्या करो कि रिजर्वेशन छोड़ो, वो भंगी भाई के लिए छोड़ देते हैं, मुसहर भाई के लिए छोड़ देते हैं, डॉम भाई के लिए छोड़ देते हैं, हलाल खोर के लिए छोड़ देते हैं, लाल बेगी के लिए छोड़ देते हैं, कुंजड़ा के लिए छोड़ देते हैं। तुमने कहा ईमानदारी से कभी? तुमको भी सोचने का समय। सोरेन्द्र ने, हेमराम ने, मुंडा ने, मुर्मू ने ले लिया, कभी तुमने कहा कि चोड़े बास की बेसरा इसको भी मिले? तुमने सोचा? नहीं सोचा। तुमने सोचा कि महली को मिलना चाहिए, माल पहाड़िया को मिलना चाहिए, सिनुरी पहाड़िया को मिलना चाहिए, भील को मिलना चाहिए? तुमने तो कभी नहीं सोचा। राजस्थान में जो है हर जगह मीना 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 मीना, क्या है भाई? तो बपौती है रिजर्वेशन। तो तुमने क्या किया? संविधान का उल्लंघन किया। तुमने बाबा साहब के साथ धोखा किया, तुमने महापुरुषों के साथ धोखा। तो बेटा तुम गाली दोगे, गाली नहीं सुनोगे, ये ऐसे एस्पेक्ट कैसे कर रहे हो? तुम कैसे कर रहे हो? तुम खानदान भाई, खानदान चाहिए तुमको, अलग विकल्प भी है ना, कि एक विकल्प मतलब वही जो कौवा की कहानी सुनाए, लाश पर आराम से बैठ गया, खा रहा है गंगा का पानी, पी रहा है, सूत रहा है, खा रहा है गंगा का पानी, पी रहा है, सूत रहा है। तो बेटा हिंद महासागर में तुम जाओगे, मगरमच्छ उस लाश को खाएगा ही, और तुम उड़ते उड़ते थक जाओगे, जब गिरोगे तो मछली तुमको खाएगा ही खाएगा। आज हम गणतंत्र के 75 साल के बाद, अब तुम क्या कहते हो कि हमारी आरक्षण जो मिली थी वह आर्थिक आधार पर नहीं मिला था, वह क्या मिला था? सामाजिक आधार पर मिला था। मेरे साथ जी छुआछूत होता था, हमको जो है मौका नहीं मिलता था। तो इस वक्त हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमको जो है, तुम जो है नए मौका मिला, लेकिन तुमने अपने लोगों को मौका कहाँ दिया? तुमको तो मौका मिल गया, तुमने अपने लोगों को मौका दिया। तुम क्या कहोगे जी? अरे भाई अगर जो है दुमका सीट पर शिबू सोरेन का बेटा जो है ज़्यादा पॉलिटिकल है, और नरेश हेमराम तो कम पॉलिटिकल है, तो नरेश हेमराम जाकर करके वहाँ संसद भवन में क्या बोलेगा? क्योंकि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और शिबू सोरेन का खानदान जाएगा तो ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो तुम भी संसद भवन में जाकर के कौन सी गन्ना उखाड़ रहे हो? तुम भी तो कुछ हो नहीं बोलते हो। और यदि तुम बोलता तो आज हिम्मत कैसे था उसको रिजर्वेशन पर बोलने का? तुम नहीं बोला तभी न वह बोल रहा है, है? तुम अगर बोल देता, अब यहां हम कहेंगे कि नहीं हाजीपुर में जो है चिराग पासवान नहीं होना चाहिए, विनोद पासवान वहां होना चाहिए। अब तुम क्या कहोगे कि नहीं नहीं विनोद पासवान का तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ये नहीं है, वो तो आम SC ST, हमारा तो पॉलिटिकल बाप रहा है, चचा रहा है, हैं, जीजा रहा है, सब रहा है, हम ज़्यादा पॉलिटिकल हैं। तो तुम पॉलिटिकल हो के क्या कर रहे हो? तुम संसद भवन में बोल क्या रहे हो? आ यदि तुम बोलता तो फिर वो कैसे बोलता, वो जजमेंट कैसे देता? तुम नहीं बोला तब ना वो तुम्हारे बदले में बोल रहा है, तो तुरे रहने नहीं रहने से कौन फायदा है, है? एगो गाना नहीं था जी कि बंबई बन गया मुंबई तुम कब सुधरोगे? तो तुम कब सुधरोगे? तुमको तो मौका दिया, तुम अपने लोग को मौका कब दोगे? तुम अपने लोगों को मौका कब दोगे?
अरे तुम घुस गया एक बार सफर कर लिया ट्रेन में, तो वहाँ एसी बोगी है, एसी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, एसी थ्री है, हैं स्लीपर क्लास है। तो बिटिया जो तुम घूम घाम के बस जनरल बोगी में घुसने का प्रयास, जनरल बोगी में घुसने मना, तुमको एसी बोगी नहीं दिखाई पड़ रहा है, और तुम जो रो रहे हो कि हमको जनरल डिब्बा में नहीं घुसने देगा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तुमको स्लीपर क्लास में, एसी थ्री में, एसी टू में, एसी फर्स्ट क्लास में, तुम ट्रेनें छोड़ दो, तुम हवाई जहाज से घूमो, यह संदेश देता है। ताली बजाओ। अगर सीजेआई कहता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन ट्रेन का जो है जनरल बोगी है, तो दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन कहता है कि मेरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जनरल बोगी में नहीं चढ़ेगा, मेरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हवाई जहाज से सफर करेगा, तुम अपना रखो जनरल डिब्बा, और यदि जहां हवाई सुविधा नहीं होगी तो वहां स्लीपर क्लास में जाएगा, वहां एसी थ्री में जाएगा, एसी टू में जाएगा, एसी वन में जाएगा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति से आग्रह करता है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को जनरल बोगी बोल रहा है तो हम जनरल बोगी में जेबे नहीं करेंगे। तुम यह ठान लो कि आज से अभी से हम ट्रेन में सफर नहीं करेंगे, हम हवाई जहाज से सफर करेंगे। यदि तुम हमको जनरल बोगी लायक समझता है, रे 75 साल गणतंत्र होने के बाद हमको अगर तुम जनरले बोगी समझता है तो भ्रमित मत हो सीजेआई, धोखा में तुम मत रहो, हम चढ़े नहीं करेंगे ट्रेन पे, हम हवाई जहाज से चलेंगे, और जहां हवाई सुविधा नहीं है वहां फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, स्लीपर रखो अपना जेबी में, तुम रखो हमको नहीं, हम तुम भ्रम में, और तुम जो है इतना जो है इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करो। जब नहीं था डीआईए तब, अब डीआईए दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, और वह अपने समुदाय को उद्यमिता उद्योग वाणिज्य व्यापार के माध्यम से हवाई सफर करने की प्रेरणा देता है, अपने लोगों को प्रेरित करता है कि हे दलितों, हे आदिवासियों, तुम सहारा रेगिस्तान में दो बरसात की दो बूंद को हरियाली मत, तुमको मेडागास्कर का जंगल चाहिए, तुमको सदाबहार वन चाहिए, क्या करोगे उसे? वो सब को इस उधरे छोड़ दो, हटाओ उस सारी चीजों को। अगर सीजेआई की बात इतनी हल्की है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इतना हल्का में नहीं लेना है, इतना हल्का में नहीं लेना है। और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने स्थापना काल से ही अपने लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि रे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो। यहां बाइबिल के दो वचनों का मैं उद्धृत करना चाहूंगा, वहां दो बात बोला है और उसमें सेंटेंस को देखिए, लिखा है कि यदि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए और बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए तो बताओ कि तुम प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में। फिर से सुनो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए
और बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए, तो यह तुम बताओ कि तुम जो है प्रॉफिट में रहेगा कि लॉस में रहेगा। स्वाभाविक है कि तुम लॉस में रहोगे। यही षड्यंत्र तुम्हारे साथ किया जा रहा है, ठीक है, शुरू से अंत तक। लेकिन तुम थे थर, जो कहा शुरुआत में, मीटिंग के शुरुआत में हमने कहा कि तुम थे थर। वो बंगलिया की कहानी नहीं सुनाए कि एक बंगलिया था, सीट पर जो है बिहारिया उसको मारा, तो कहा हमरा मारले से मार लिया, हमरे बीबी को मार के दिखाओ तब तुमको समझेंगे। बीबियों को मारा, कहा बीबी को मार लिया, मार लिया, हमरे बेटा को मार के दिखाओ, भुखरव मारा, कहा बेटा को मार लिया, मार लिया, हमरे बेटी को मार के दिखाओ, ओकराव पीटा, तो उसको क्या कहोगे? थेथरई कहोगे, थेथर कहोगे उसको। तो थेथर बनने का जरूरत नहीं है, तुम जो थेथरई कर रहे हो, अरे बुढ़वा कह रहा है कि जनरल बोगी, धत बुढ़वा हम नहीं बैठेंगे जनरल बोगी में, जाओ वहां स्लीपर क्लास है ना, हम उसमें बैठेंगे, जाओ। थोड़ा पानी, ठीक है, यह थेथराई करने की जरूरत क्या है? वह यदि कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है कि जनरल भोगी है, एससी एसटी के रिजर्वेशन, और तुम कह रहे हो कि नहीं हमारा जनरल ए भोगी चाहिए, ये थेथराइए ना है तुम्हारा, है? एक और कहानी बताना चाहते हैं। अमेरिका में गुलाम हुआ करते थे, ब्लैक लोग जो है गुलाम, तो गुलाम का क्या होता था, गुलाम लोगों का कपड़े बन के, अमेरिका में गुलाम हुआ करता था, तो गुलाम का खरीद बिक्री होता था, समझा ना? जिस तरह गाय बैल का बकरी का बिक्री होता है, उसी तरह गुलामों का खरीद बिक्री होता था, ठीक है। जो गुलाम वर्गों की महिलाएं होती थी, तो उसको जो है सैनिकों को दिया जाता था भोग करने के लिए, कि खूब लड़ाई लड़िए, और गुलाम वर्गों की जो महिला गठीली होती थी, थोड़ा सेक्सी होती थी, तो उसके साथ सैनिक लोग उपभोग कीजिए, और उसकी भी खरीद बिक्री होता था, ठीक है। वेश्यावृत्ति उसका जो है चरम सीमा पर था। नहीं रुकिए ना, हम मांगेंगे। क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब आए और वहां रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उन्होंने एक प्लान पॉलिसी बनवाई कि भाई अब गुलामों का खरीद बिक्री नहीं होगा, और जो गुलाम होते थे दिन भर काम करवाता था, रात में जानवरों की तरह उसके हाथों में सिकड़, पांव में सिकड़, गले में सिकड़ बांध के उसको बांध दिया जाता था, मालिक लोग उसको बांध देते थे, मतलब हुमेन का डबल रूप देखा, एक मालिक भी हुमेन है और गुलाम भी हुमेन है, दोनों मानव है, लेकिन मानव का दोहन, मानव का शोषण चरम सीमा, ठीक है। तो अब वहां जो है गुलाम लोगों को, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है आए और उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, क्रांति किया, तो उन्होंने जो है रेगुलेशन बनाया कि अब गुलामों के हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, गले में बेड़ी ये नहीं लगेगा,
गुलामों की खरीद बिक्री नहीं होगी, गुलामों के महिला जो है उपभोग की वस्तुएं नहीं रहेगा। जानते हो क्या हुआ? गुलामों ने विद्रोह कर दिया। क्या चीज का विद्रोह कर दिया? कि मेरे पूर्वज जो है बेड़ी में थे, बेड़ी मेरा श्रृंगार है, मुझसे मेरी बेड़ियां मत छीनो। बेड़ी के बगैर उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब लो कि जब तक हमारे हाथ में बेड़ी नहीं डालिएगा हम खाना नहीं खाएंगे। महिला जो है कहा कि हमको हिस्टीरिया बीमारी हो गया। अब ला मना गुलामों का थेथराई का ई प्राकाष्ठा एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी भी है कि गुलामों के विद्रोहियों ने उनको गोली मारा। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। बताओ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उस गुलामों को आदमी बनाने का प्रयास किया, उसको इक्वलिटी दे रहा है कि तुम मानव हो, मानव की तरह तुम रहो, और वह गुलाम क्या कह रहा है? हमको बेड़ियां चाहिए, उसके लिए विद्रोह कर दिया। मतलब मेरा बेड़ी काट दो, हमको आदमी की तरह जीने दो, हम आदमी की तरह इक्वल रहेंगे, ये नहीं विद्रोह किया। इतनी सताया जा रहा था, इतना अत्याचार किया जा रहा था, उसके लिए उसने कभी विद्रोह नहीं किया। विद्रोह किसके लिए किया? मेरे गलाव से बेड़ी नहीं हटाई जाए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। अनशन अनशन का खरीद बिक्री तक ठीक है, लेकिन बेड़ी ये मेरा श्रृंगार है, ये मेरी पहचान है। कुछ ऐसी ही बातें तुम लोग आजकल कर रहे हो। हालांकि अगर आंदोलन 21 तारीख को हुई, मैं रोड पर आऊंगा, हम रोड पर आएंगे, आंदोलन में भाग भी लेंगे, समर्थन भी करेंगे रिजर्वेशन को, क्योंकि बेस मेरे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का वही है। लेकिन मैंने विकल्प भी दिया है, हम समर्थन करेंगे। लेकिन यह हुआ घटना वही होगा कि यदि CJI कह रहा है कि यह जनरल डिब्बा में बैठने वाला लोग है, हमको आंदोलन करना चाहिए कि भरम में मत रहो CJI। हम AC फर्स्ट क्लास वाले हैं, AC फर्स्ट क्लास हमरे लिए दो, नहीं तो गर्दनियां मार के उतारेंगे हम तुमको। हमारा आंदोलन ऐसा होना चाहिए, हमारा आंदोलन यह होना चाहिए कि AC 2 जो है वह मेरा है, वहां खाली तुम मत बैठो, वहां हमू बैठेंगे। AC 3 जो है वहां सिर्फ तुम नहीं, हमू बैठेंगे। स्लीपर जो है हम वहीं बैठेंगे। और आजकल AC बोगी की संख्या बढ़ाई जा रही है, AC ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा रही है, जनरल तो एगो पीछे एगो आगे, तो क्यों तुम मंथन कर रहे हो? क्यों तुमको वहां जिस समय रिजर्वेशन दिया तो गांधी जी ने क्या कहा कि तुम हिंदू के पाठ हो? तुम्हारे महापुरुष क्या बोले? हम हिंदू के पाठ नहीं हैं। बोला तुमको रिजर्वेशन देते हैं, तुम हिंदुए बन के रहो, तुम हिंदुए बन के रहो। तुम्हारे महापुरुष क्या बोल रहे थे कि नहीं हम हिंदू के पाठ नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं? कहा कि तुमको आरक्षण देंगे, तुम बने रहो। तो तुमने बेड़ियां स्वीकार किया, तुमने कहा कि नहीं। बोला तुम AC 1 का है तुम सोच रहे हो,
तुम जनरले डिब्बा में रहो, एसी हम देंगे। सोच बदलो, दृष्टिकोण को बदलो। और आज क्या तुम्हारे साथ क्या जा रहा है, आज क्या कह रहा है कि तुम शूद्र बने रहो, तुम दलित बने रहो, तुम आदिवासी बने रहो, आरक्षण तुमको नहीं देंगे। यही ना हो रहा है, तुम हिंदू बने रहो, तुम शूद्र बने रहो, तुम अस्पृश्य बने रहो, तुमको आरक्षण नहीं देंगे, यही ना कहा जा रहा है। तो तुम्हारी संघर्ष कह रहा है कि तुम जो है जनरल डिब्बा में, मेरा मन होगा तुम जनरल डिब्बा में, तुम्हारा निर्धारण करेंगे कि जनरल डिब्बा में तुमको घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। कहो हमको जनरल डिब्बा नहीं चाहिए, हम भाई जनरल डिब्बा में चलने वाला व्यक्ति नहीं है, हमको जनरल डिब्बा नहीं, हम जो है उद्योग वाणिज्य व्यापार इसके माध्यम से हम एसी लायक हो गए हैं, हमको एसी में जगह दीजिए, हम एसी में बैठेंगे, संघर्ष हम एसी के लिए करेंगे। एसी की संख्या बढ़ रही है ना ट्रेन में कि जनरल बोगी का, जनरल बोगी तो एगो पीछे एगो आगे, एसी बढ़ते जा रहा है। पहले होता था A1 A2 B1 B2, अब AB भी बना दिया है, जरा देखना ट्रेन में C1 C2 भी चलने लगा है। हम उधर की बात सोचे ना, हम इधर क्यों सोच रहे हैं। तो वो अमेरिका के गुलामों ने अनशन कर दिया कि यदि हमको बेड़ी नहीं पहनाओगे तो हम खाने नहीं खाएंगे। अब बताओ इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या दोस्ता है। अब सुनते हैं इसी के वजह से उनको गोली मार दी गई। कहा ये मेरे पूर्वजों का पहचान है बेड़ी भाई, बेड़ी हमारा पहचान है। जैसे SC ST कह रहा है कि रिजर्वेशन मेरा पहचान है। रिजर्वेशन किस लिए दिया गया, तुम्हारे पूर्वजों ने मांगा था रिजर्वेशन? ये तुमको अपने आप से पूछने की चीज है, मांगा था कि दिया गया था? दिया गया था। शर्त क्या था, हिंदू में बने रहो, यही शर्त था ना कि हिंदू में तुम बने रहो, हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन इन एजुकेशन देंगे, रिजर्वेशन इन जॉब देंगे। तो तुमने क्या कहा कि ठीक है कुछो मिल रहा है रख लेते हैं। तो उस समय तुम्हारी ऐसी अवस्था थी, अब तो तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं ना है, है? तो हुआ जो है एसी बोगी में है, हुआ स्लीपर क्लास में है, आ तुम जो है संघर्ष कर रहे हो कि नहीं हमारा जनरले डिब्बा चाहिए, 75 साल तक हम अभी जनरले डिब्बा में चलने लायक है। यहां गलती तुम्हारी है कि उसकी है? तुम कह रहे हो कि नहीं हमको बेड़ी ही दीजिए, बेड़ी मेरा पहचान है, नहीं दीजिएगा हम खाना नहीं खाएंगे, हम विद्रोह, हमको समान नागरिकता नहीं चाहिए, समान नागरिकता हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बेड़ी चाहिए, बेड़ी मेरा श्रृंगार है। तुम अपने घर की महिलाओं को देखते हो कि नाक में, कान में, गला में, उंगली में, पांव में पायल, उंगठी में बिछिया, ये सब क्या है? ये सब जो है पौराणिक काल में महिलाओं को गुलाम मानी जाती थी, जानवरों से बदतर स्थिति था, तो जानवर को सीकड़ पहनाया जाता था, तो उसी तरह सीकड़ उसको पहनाया जाता था। धीरे 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 फैशन हो गया, तो अब जो है नाक कान गला इसको फैशन समझ रहा है। तो वहां बेड़ी जो है, बेड़ी के आधार पर अमेरिका में जो है लोग कह रहा हमको बेड़ी दो,
तभी खाना खाएंगे। तो वहां क्या कहा गया बाइबिल में कि यदि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए और बदले में प्राण हर लिया जाए, बदले में प्राण हर लिया जाए, तो बताओ कि तुम जो है प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में। स्वाभाविक है लॉस में। तब बाबा साहब जो है इतना बेवकूफ आदमी नहीं थे, वह अग्रसोची थे, भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि ई लोग क्या हो जाएगा, वो कौवा की तरह हो जाएगा जो कहानी सुनाए। तब उसने क्या कहा, संघर्ष करो। किस लिए संघर्ष करो कि जो आरक्षण है, उन्होंने संदेश भी दिया कि जो हम कर दिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ डीआईए और डॉक्टर पासवान छोड़ के एक भी एससी एसटी का नाम बता दो जिसने प्लान पॉलिसी चेंज करवाया हो या नया बनवाया हो। चुनौती फेसबुक यूट्यूब और जूम कलहोट सब्बे पर जितना लोग हमको सुन रहे हो, बाबा साहब के पास अगर एक भी प्लान पॉलिसी, नया प्लान पॉलिसी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या कोई डेवलपमेंट के लिए नया प्लान पॉलिसी बनाया, तुम देखोगे कि बाबा साहब और डॉक्टर पासवान के बीच में काफ़ी गहरी खाई है, बहुत गहरी खाई है। और आज इस बातों को तुम भले नहीं मानो, तुम भले डीआईए को तवज्जो मत दो, भले तुम हमको तवज्जो ना दो, लेकिन आने वाला भविष्य जो है वह तवज्जो देगा, वह तवज्जो अवश्य देगा। तुमने क्या किया, तुम जो है वही मरे हुए लाश पर कौवा की भांति बैठ गया। हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक तुम बेटा मजा लेते चल गया। कोई नया प्लान पॉलिसी बनाया, रुके हुए प्लान पॉलिसी को इम्प्लीमेंटिंग कराया, तो जाओ समुंदर में बेटा मरो। लड़ाई करेंगे एकदम, हम भी उतरेंगे रोड पे, ऐसा बात नहीं है। 2 अप्रैल को भी हुआ था, हम उतरे थे। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितार्थ कोई भी आंदोलन होगा, डीआईए सर्वप्रथम उसमें रहेगा, फाइनेंशियल भी फिजिकल भी दोनों अवस्था में रहेगा। और आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि अगर ऐसी आंदोलन हुई 21 तारीख को तो आप लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई या किसी भी संघर्ष क्रांति में मौका लेने का कभी कभी मना जो है मौका मिलता है, तो यह मौका इसको समझिएगा। तो समझा जी, तो यही कह रहे थे कि जो कि यदि जो है 21 को आंदोलन होती है तो आप सभी को उसमें भाग भी लेना है। और दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 2 अप्रैल को भी भाग लिया था, और यदि होती है तो उसमें भी भाग लेगा। तो हम यही कह रहे थे आप लोगों को कि अगर संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर दी जाए और बदले में आपका प्राण हर लिया जाए, तो आप बताइए कि आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे। स्वाभाविक है लॉस में रहेंगे। तो जिस समय रिजर्वेशन आपको दी गई थी, उस समय भी आपसे यही कहा गया था कि आप हिंदू में बने रहिए, रिजर्वेशन दिया जाएगा। और आज भी जो है उसी को यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हिंदू में बने रहिए, दलित आदिवासी आप बने रहिए, लेकिन रिजर्वेशन जो है हम आपको अपने अनुसार देंगे। ठीक है, तो वाक्यों को थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम, कि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए और बदले में तुम्हारा प्राण ले लिया जाए।
अब इस जगह काट दो इस शब्दों को कि बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए, काटो। तो शब्द क्या बसता है कि संसार की समस्त वस्तु तुम्हें प्रदान कर दी जाए, ठीक है। हमको क्या करना है कि इसी में जो है यह शब्द जो लास्ट वाला है इसको काट देना है। फिर से वाक्य को लिख लो, कहीं लिखो वाक्य को कि संसार की समस्त वस्तुएं प्रदान कर दी जाए, बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए, तो तुम प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में रहोगे, ठीक है। संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर दी जाए और बदले में प्राण हर लिया जाए, तो तुम प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में। तो लास्ट वाला जो वाक्य है उसको काट दो, मिटा दो, तो क्या बचेगा खाली कि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर दी जाए, यही बचेगा। अब देखो हम दूसरा वचन बोल रहे हैं बाइबिल का, क्या उसी जगह लिखा है कि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं स्वतः मिल जाएगा। पहला वाक्य क्या था कि यदि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर दी जाए, बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए, तो तुम प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में। हमने क्या कहा कि लास्ट वाला वाक्य काट दो, तो क्या बचेगा वहां कि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान कर दी जाए, लास्ट वाला काट दी। अब दूसरा जो वचन बोल रहे हैं उसमें क्या कह रहा है कि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। इसको भी लिखो कि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा, ठीक है। अब इस वाक्य को और जो बचा हुआ वाक्य था सबको जोड़ दो, ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा कि यदि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें प्रदान की जाए, फुल स्टॉप। अब होगा कि तुम प्रभु की, यदि अब यहां लगाओ कि यदि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो तो संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। अब वह प्रभु का राज्य क्या है, तो बाइबिल तो खैर धर्म की बात बोल रहा है, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम अर्थ की बात बोलेंगे कि यदि तुम जो है पैसा कमाने के प्रति प्रेरित हो जाओ तो संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। यदि धनवान बनने के लिए तुम प्रेरित हो जाओ तो संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। यदि उद्योगपति पूंजीपति बनने के लिए तुम प्रेरित हो जाओ तो संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी। यदि तुम उद्योगपति पूंजीपति धनवान रहोगे तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुमको ट्रेन का जनरल बोगी नहीं कहेगा, क्या कहेगा, ये तो हवाई जहाज से चलने वाला है, या AC बोगी में चलने वाला है, या स्लीपर क्लासेस में चलने वाला है, या खुद ही फॉर्चूनर खरीदा हुआ है। तो यही वाक्य को करना और इसी चीजों को हमको सिद्ध करना, इसी बातों को लेकर के हमको चलना, बात समझ गया। लास्ट में हमने यही कहा कि वह क्या कह रहा है कि यदि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए और बदले में तुम्हारा प्राण हर लिया जाए, क्या कहा, रिजर्वेशन तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा रिजर्वेशन से, तुम्हारा बच्चा वेलफेयर हॉस्टल में रहेगा रिजर्वेशन के वजह से, तुम्हारा बच्चा जो है स्टाइपेंड पाएगा रिजर्वेशन के वजह से,
तुम्हारा बच्चा सरकारी नौकरवा बनेगा रिजर्वेशन की वजह से, तुम्हारा प्रमोशन होगा रिजर्वेशन की वजह से, और यदि पैसा उसा थोड़ा कमा उमा लोगे, बड़का नौकरवा अगर बन गया, छोटका नौकरवा तो बेचारा सोचियो नहीं सकता है, बड़का नौकरवा अगर बन गया तो तोरे लिए आरक्षित सीट भी कर दिया है, तुम इलेक्शन भी लड़ लेना, बदले में तुम क्या दे दो, अपनी स्वतंत्रता दे दो, बदले में क्या दे दो, आत्मनिर्भरता दे दो, बदले में क्या दे दो, आत्म स्वाभिमान दे दो। तो अब बताओ तुम प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को यह सोचने का विषय है कि संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें दे दी जाए और बदले में प्राण हर लिया जाए, तो बताओ तुम्हारा जो है तुम प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक सुनो, 3-4 बार सुनो, मंथन करो कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उसके संघ पिता डॉक्टर जितेंद्र पासवान कहना क्या चाह रहा है। कल से गांव में बैठो, गॉसिप करो अपने दोस्तों यारों के साथ और यह वीडियो चला दो शुरू से अंत तक, तो तुम अपने आप को कहां पाते। तुम सेकंड इस सेंटेंस को जानना चाहते हो कि फर्स्ट सेंटेंस को? तुम एसी में चलने वाला, अपना गाड़ी से चलने वाला, स्लीपर में चलने वाला, हवाई जहाज में चलने वाला चाहते हो कि तुम वह जनरल डिब्बा बनना चाहते हो? यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम कहां बनना चाह रहे हो। कहा सब चीज देंगे, उस समय बोला जिस समय दिया जा रहा था रिजर्वेशन, वहां दो ही लोग थे, एक गांधी जी एक तुम्हारे महापुरुष, डिस्कशन हो रहा था कि तुम हिंदू हो हिंदू में रहो, तुम्हारा बच्चा रिजर्वेशन से पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा रिजर्वेशन से स्टाइपेंड मिलेगा, तुम्हारे बच्चे को इस रिजर्वेशन से वेलफेयर हॉस्टल में रहेगा, तुम रिजर्वेशन से नौकर बनोगे, तुम रिजर्वेशन से प्रोन्नति पाओगे, तुम रिजर्वेशन से आरक्षित सीट पर इलेक्शन लड़ना। अब ये लोग क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन कह रहा था। अरे क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन रे, रिप्रेजेंटेशन क्या चीज का, हमरे घर में हमरा ही प्रतिनिधित्व देगा, हद बुड़बक ही है, मेरा घर है, हमरा घर में तुम रिप्रेजेंटेशन हमको देगा कि हम तोरा रिप्रेजेंटेशन देंगे? तो तुमने क्या किया, कौवा की भांति लाश पे बैठ गया, कहने ठीके कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीके कर रहे हैं, अमेरिका के गुलामों की तरह कि बेड़ी हमारा श्रृंगार है, बेड़ी हमारा जो है पूर्वजों की पहचान है, तुमको यह चीज करना है। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का स्पष्ट स्टैंड और कमेंट है कि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, संसार की समस्त वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का राज्य क्या है, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, यह है प्रभु की राज्य। इसमें तुम प्रवेश करो ना, संसार का हर एक चीज मिल जाएगा, लेकिन तुम अमेरिका के गुलामों की तरह माइंडसेट वाले आते हो, तुम कह रहे नहीं जनरली डिब्बा हमको चाहिए। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तुमको विकल्प दिया है कि तुम उद्योग वाणिज्य व्यापार करो, तुम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करो, हैं? तुम स्टार्टअप इनोवेशन करो, तुम एग्रो इंडस्ट्री करो, एनिमल हस्बेंड्री करो, फिशरीज करो, फूड प्रोसेसिंग करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करो,
तुम स्पेस के बारे में पढ़ो, स्पेस के बारे में काम करो, हैं? तुम खेल कूद में जाओ, तुम कला संस्कृति में जाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाओ, ये सब में जाओ ना, उसकी खोज करो। संसार की समस्त वस्तुएं तुमको स्वतः मिल जाएगा, न मांगने की जरूरत है और न ककरे से उधार लेने की जरूरत, तुमको स्वतः मिल जाएगा, निर्णय तुम्हारे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, आज बहुत कम समय, चूंकि देश के विभिन्न कोनों से बुद्धिजीवियों ने, मीडिया कर्मियों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मेरा स्टेटमेंट और स्टैंड मांगा था, और जब दलित आदिवासियों के हक हकूक की बात होगी, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और मैं सबसे आगे रहूंगा। क्यों? क्योंकि भारत में जो है एक गार्जियन संगठन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है और उसके संघ पिता मैं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व जो है सब लोगों से ज़्यादा है, ठीक है? तो हक हकूक हमारा रिजर्वेशन आधार है, लेकिन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने विकल्प भी दिया है, आधार के साथ साथ विकल्प पर भी विचार करें, सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा, विकल्प भी चाहिए। कहता है ना कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, है ना, ऑब्लिक ऑब्लिक दिया रहता है, तो आधार वह है, इस बात को मैं भी स्वीकृति देता हूँ कि वह आधार है, लेकिन विकल्प भी है, विकल्प भी। तो हम आधार जो है, अगर आधार पर खतरा है तो विकल्प से अपने आप को सबल बनाए, विकल्प पर विचार करें, विकल्प को सबल बनाएं, और सबल बना के विकल्प को अपनाइए। विकल्प को अपनाएंगे तो जाहिर है वह कमजोर पड़ेगा। एकमात्र चीजों को आप लेकर बैठे हुए हैं और आपको गाली पर गाली दे रहा है, थेथर पर थेथर कर रहा है, और आप चुपचाप जो है कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जनरल डिब्बा चाहिए, रखो अपना ट्रेन, हम गाड़ी खरीदेंगे, अपने गाड़ी से चलेंगे, रखो रखो रखो। तो आज इतना ही। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए वचनबद्ध है, अतः आप सभी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को निर्धारित समय पर उद्योग वाणिज्य व्यापार के योजनाएं और नीतियां लेकर आते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होता है। यदि आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना, शिकायत या सुझाव है तो वह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 उस पर आप भेज सकते हैं। हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpaswan@therateofgmail.com। आपका वेबसाइट है www.diaonline.in, www.diaonline.in। समस्त सोशल मीडिया पर मैं और दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन दोनों एक्टिव हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कमेंट सब कर सकते हैं, ठीक है? आज इतना ही। हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर आज के उद्यमी पाठशाला समाप्ति करने की घोषणा करता हूँ। अगले रविवार को नई योजनाएँ, नई नीतियाँ और अर्थशास्त्र जो मैं खुद लिखा हूँ उससे जो है विभिन्न टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा, सिर्फ दलित आदिवासियों का राज होगा। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। जय भीम।